सूरत एरपोर्ट पर फ्लाइट टेक ऑफ अने लैंडिंग वक्त रनवे बराबर हो फरजियात हो जेती रनवे 100 किलोमीटर झड़पे वोल्वो कार दौड़ावी पर ज्या मेंटेनेंस की जरूर थी ते पूर्ण कराता हवे सूरत एरपोर्ट नो रनवे फ्लाइट माटे सुरक्षित थवा पाम्यो छे। सूरत एरपोर्ट पर फ्लाइट ना लैंडिंग के टेकऑफ वक्ते रनवे पर थी तेना स्लिप थवानो जोखम केटलू छे ते चकासवा माटे सूरत एरपोर्ट ऑथोरिटी द्वारा फिक्शन टेस्ट करवामां आव्यु छे, जेना माटे 100 किलोमीटर नी स्पीड पर वोल्वो मोटर कार रनवे पर दौड़वामां आवी हती। परिणाम में सूरत एरपोर्ट नो रनवे फ्लाइट माटे सुरक्षित होवानुं सामे आव्यु छे। घणी वक्त एरपोर्ट पर फ्लाइट ना लैंडिंग वक्त तेना टायर रनवे पर घसाई ने चूंटी जता होय छे, जेना कारणे वरसादी सीजन के सवरना समय ज्यारे झाकर पड़ी होय त्यारे प्लेन रनवे पर थी खसी जईने अकस्मात थवानी संभावना वधी जाय छे। सूरत एरपोर्ट केटलू सुरक्षित छे तेनी तपास करवा माटे वोल्वो मोटर कारने 65 થી 95 नी झड़पे रनवे पर दौड़वामां आवी हती, जेना परिणाम में सूरत एरपोर्ट नो रिपोर्ट पॉजिटिव एटले के फ्लाइट ना लैंडिंग टेकऑफ माटे ते सुरक्षित होवानुं सामे आव्युं छे। देखिए, रनवे के ऊपर जब एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं तो थोड़ी बहुत रबड़, हमेशा हर लैंडिंग में थोड़ी सी रबड़ डिपॉजिट रनवे के ऊपर आ जाते हैं, तो एक नॉर्म होता है कि कितनी मोमेंट्स के बाद हम फ्रिक्शन टेस्ट करें। हमारे यहाँ आज की डेट में 35 के करीब मोमेंट्स हैं एक दिन में, तो इस डेटा के हिसाब से हमारा जो है हमारे एयरपोर्ट के लिए क्वार्टरली साल में 3 महीने के बाद हमें फ्रिक्शन टेस्ट कराना होता है। फ्रिक्शन टेस्ट करने के लिए हमारे पास अपना खुद का एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का मशीन है, ASFT बोलते हैं हम उसको, एयरफील्ड सरफेस फ्रिक्शन टेस्टर, तो वो मशीन हमारे सारे जो वेस्टर्न रीजन के एयरपोर्ट्स हैं जैसे बारी बारी से वहाँ जाती रहती है, शेड्यूल बना रखा है हमने उसको, तो वो मशीन यहाँ आती है। जैसे अभी जो है हाल ही में 9 तारीख को हमारे यहाँ फ्रिक्शन टेस्ट किया गया, तो ये फ्रिक्शन टेस्ट जो हम करते हैं उसमें रनवे के ऊपर गाड़ी भागती है तो 2 स्पीड्स में हमारी जो गाड़ी भागती है, एक बार हम 65 किलोमीटर की स्पीड पे चेक करते हैं और दूसरी बार हम 95 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी वो भागती है। और इसी तरह रनवे की जो सेंटर लाइन है, एक हम 3 मीटर पे गाड़ी को भगाते हैं और एक चक्कर लगाते हैं 6 मीटर पे, और वो रनवे के दोनों तरफ, रनवे की लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो इस तरह से समझ लीजिए कि 4 बार जो है ना गाड़ी भागती है और वो फ्रिक्शन टेस्ट चेक करते हैं। तो उसमें अगर हमारा जो नॉर्म्स के हिसाब से जो दे रखे हैं हमें कि कितना रीडिंग आनी चाहिए, तो मेंटेनेंस लेवल पे जब आता है तो फिर हम उसका रबर डिपॉजिट कहीं पर हो, जहाँ जहाँ पे भी ऑब्जर्व होते हैं उसको हम निकाल के, हमारे पास उसकी भी रबर रिमूवल मशीन है, उसको वाटर ब्लास्टर मशीन है हमारी, तो उससे हम लोग उसका रबर्स निकाल लेते हैं एंड फिर अगेन टेस्ट करते हैं। फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, 4 बारी जो है डिफरेंट स्पीड्स पे और 2 जगह पे, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। और अभी हमारा जो 9 तारीख को हुआ, रात को हमने उसका रबर रिमूवल का काम कराया और 10 तारीख को फिर से फ्रिक्शन टेस्ट किया और परफेक्ट मतलब रीडिंग्स हमारी आई, तो वी कैन से इट इज़ सेफ फॉर ऑपरेशंस और सेफ एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए ये ज़रूरी है फ्रिक्शन का लेवल का मेंटेन रखना, क्योंकि बारिश के टाइम में जब गीला हो जाता है तो ये हमें बहुत जरूरी होता है कि एक फ्रिक्शन लेवल मेंटेन रहे। सूरत एयरपोर्ट पर रहेली केटलिक मेंटेनेंस की जरूरत पण पूर्ण कराता हवे सूरत एयरपोर्ट रनवे फ्लाइट माटे सुरक्षित थयो छे। हजर कुर्सी साथे प्रकाश वड़ा, G10 News।